इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में B2C सेल की एंट्री कैसे करनी है। B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर सप्लायर के पास GST नंबर है लेकिन कस्टमर के पास GST नंबर नहीं है तो इस तरह की सेल को B2C सेल कहेंगे। ये सेल भी दो तरह से होती है, अगर कस्टमर लोकल है तो लोकल रिटेल सेल कहेंगे और अगर कस्टमर आउट ऑफ स्टेट है तो इंटरस्टेट रिटेल सेल कहेंगे। B2C सेल में हम कस्टमर से टैक्स तो चार्ज करेंगे बट उसको इनवॉइस मिलेगा, उसके अगेंस्ट वो GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है क्योंकि ये रिटेल सेल है और ये एंड यूज़र को सेल की जा रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने रिटेल सेल कैसे करनी है। इसके लिए हमने एंट्रीज में आना है। एंट्रीज में आके आप सेल पे क्लिक करोगे, सेल की नई एंट्री करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर आप एंटर प्रेस कर दोगे। यहाँ डेट आएगी, टर्म सेलेक्ट कर लोगे, सेल जो है कैश में कर रहे हो या क्रेडिट में उस हिसाब से आप टर्म सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, कौन सी पार्टी को आप रिटेल सेल कर रहे हो B2C सेल। मान लीजिए रॉयल मेडिकल है, इसको आपने सेल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल टाइप में लोकल रिटेल सेल की एंट्री कर लेते हैं। लोकल रिटेल सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी एंटर करेंगे। आगे वाउचर नंबर एंड बिल नंबर आ गया। बिल नंबर आप मैनुअली भी डाल सकते हो, जो भी आप चाहें। यहाँ पैरासीटामोल आइटम सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपने सेल करनी है इस कस्टमर को। यहाँ पे बैच सेलेक्ट कर लोगे, बैच को आप एट ए टाइम बना भी सकते हो F3 प्रेस करके, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, एट ए टाइम आप न्यू बैच क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी में हम इसको सेल कर रहे हैं, 50। यहाँ आप जो भी फ्री मिल रहा है, कोई आइटम फ्री मिल रही है तो आप डाल सकते हो इसके साथ, या फिर आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपने क्वांटिटी पे आके स्पेस बार प्रेस करना है। यहाँ मान लीजिए आपने पैरासीटामोल के 10 स्ट्रिप्स पर एक स्ट्रिप फ्री देना है, आपके पास स्कीम है कोई तो यहाँ पे मैं 10 डालूँगी, स्कीम क्वांटिटी 10 है। फ्री कितना दे रहे हैं हम, एक आइटम एक स्ट्रिप जो है हम फ्री दे रहे हैं, कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए यहाँ फ्री में अपने आप कैलकुलेट होके आ गया है। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री कर सकते हो अगर कोई स्कीम दे रखी है आपने। यहाँ प्राइस पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे पर पीस पर स्ट्रिप इसने 20 रुपीज़ उठा लिया है प्राइस। ऊपर भी सॉफ्टवेयर आपको सारे प्राइस दिखा रहा है जो भी आपने लगाए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं आइटम बनाते टाइम। यहाँ पे दिखा रहा है आपको प्राइस टू रिटेलर, रिटेल के लिए जो भी आपने इसका प्राइस सेट किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने उठा लिया है। इसको एंटर करेंगे, आगे ऐड कर देंगे एंटर करते हुए। तो देखिए ऊपर सारी डिटेल आ जाती है इसकी कि हमने परचेज कितने में किया था इस आइटम को, अभी हम सेल कितने में कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, मार्जिन वगैरह, ये सारी चीज़ें ऊपर डिटेल आएगी आपके पास। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाती है, नीचे जितनी भी आइटम आप ऐड करोगे नीचे उसका जो भी टोटल बनेगा आ जाएगा आपके पास, GST वगैरह अमाउंट टोटल क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने कर देना है इसको सेव, ओके करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो ओके किया हमने। देखिए ये बिल फॉर्मेट बनकर आ जाएगा आपके पास रिटेल सेल का, रिटेल इनवॉइस का। यहाँ पे देखिए आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल टू अ टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट दिस कॉपी। तो इस तरह से बिल आपके पास आ जाएगा रिटेल का, इसे हम क्लोज करेंगे। अभी हम इंटरस्टेट रिटेल सेल की एंट्री कर लेते हैं। एक हम यहाँ से भी सेल की एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे सेल को, यहाँ पे न्यू करेंगे नई एंट्री के लिए। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इंटरस्टेट रिटेल सेल सेलेक्ट करेंगे,
मान लीजिए ये हमारा जो कस्टमर है ये आउट ऑफ स्टेट है और इसके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है, तो आगे एंटर करेंगे वाउचर नंबर आ जाएगा, बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ आइटम पे आ जाएंगे, जो भी आइटम सेल करनी है लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे आप, यहाँ पे दिखा देगा आपको बैच। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं इस आइटम की वो डाल देंगे, एंटर करेंगे। अगर कस्टमर को कोई चीज़ फ्री देते हो आप, कोई स्कीम है जिसमें मान लीजिए 10 स्ट्रिप्स के साथ एक स्ट्रिप आप फ्री दे रहे हो, तो 70 क्वांटिटी के हिसाब से 7 स्ट्रिप जो हैं वो आपने फ्री में देने हैं कस्टमर को। लेकिन कस्टमर चाहता है जो आइटम आप हमें फ्री में दे रहे हो हमने वो नहीं लेनी है, आप हमें प्राइस में ही डिक्रीज़ कर दीजिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे प्राइस पे आके आपने स्पेस बार देना है, यहाँ पे मेन क्वांटिटी डाल दोगे कि कितनी क्वांटिटी पे फ्री मिल रही है एक स्ट्रिप, तो मैंने डाल दिया। यहाँ पे वैसे प्राइस जो है वो 23 है, अभी हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। देखिए ये प्राइस जो है अभी पर स्ट्रिप कम हो चुका है, यहाँ पे पहले 23 था अभी 20.91 रुपीस हो गया है, इस तरह से डिक्रीज हो जाता है जो अमाउंट है, एंटर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ स्टॉक ब्लिंक कर रहा है, जो स्टॉक आपके पास कम रह जाएगा तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि आपने ये वाला स्टॉक जो है ऑर्डर करना है, अभी कम पड़ रहा है आपके पास। तो अभी हम इसको आगे एंटर करते हुए सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे, बिल देखना है तो यस, अदरवाइज नो कर देते हैं, इसे क्लोज करेंगे। अभी मैं आपको इंटरस्टेट रिटेल की एक एंट्री करके दिखाना चाहती हूँ जो कि 2.5 लाख से ऊपर की होगी, क्योंकि जो 2.5 लाख से ऊपर की सेल होती है उसकी अलग रिपोर्ट बनती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सेल पे आना है, फिर से सेल पे आके न्यू पे क्लिक करोगे नई एंट्री के लिए, एंटर करेंगे आगे, यहाँ हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने सेल करना है, यहाँ इंटरस्टेट रिटेल सेल करोगे आप, वाउचर नंबर बिल नंबर वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पे 20,000 क्वांटिटी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 2.5 लाख के ऊपर की सेल करके दिखानी है आपको, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी। अभी जो हम सेल कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो 4 लाख के ऊपर का बनता है अभी यहाँ पे, तो इसको हम ऐड कर देंगे एंटर करते हुए। ये 2.5 लाख से ऊपर की हो गई है सेल, तो अभी इसको हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। तो इस तरह से आपने लोकल रिटेल सेल और इंटरस्टेट रिटेल सेल की एंट्री करनी है। अभी जो भी इनकी रिपोर्ट्स बनी है मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने चेक करनी है जो रिपोर्ट्स में आएंगे। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप ये सारी सेल रजिस्टर आप चेक कर सकते हो, अगर कोई भी रिपोर्ट आपने चेक करनी है सेल रजिस्टर में, ये रिटेल सेल रजिस्टर आप देख सकते हो, ये सभी तरह की रिपोर्ट्स आपके पास पड़ी हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लिस्ट में से चेक कर सकते हो, सेल समरी देख सकते हो, स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हो सेल करने के बाद कि कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है, कितना हमने सेल कर दिया है, कितना बाकी है, ये सारी स्टॉक रिपोर्ट की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाई है ये रिपोर्ट्स। अभी हम जीएसटी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स में आके आपने सेल की रिपोर्ट देखने के लिए GSTR1 देखना है, इसको हम ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये GSTR1 है, इसमें सारी सेल की रिपोर्ट बनती है जीएसटी की। यहाँ पे हम सबसे पहले B2C स्मॉल इनवॉइस देख लेते हैं, B2C की हमने एंट्री की थी तो B2C स्मॉल इनवॉइस चेक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, ये आज की डेट का आ जाएगा, यहाँ पे आज की डेट है जिसमें हमने एंट्री की है, ओके करेंगे। यहाँ देखिए जो भी हमने एंट्रीज की हैं आज की डेट में वो आपको दिखा रहा है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे CGST आ रहा है, SGST कितना है वो बना है,
इस तरह से आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। जो कस्टमर आपका आउट ऑफ स्टेट है उसका आपको स्टेट दिखाएगा, स्टेट कोड वगैरह दिखाएगा यहाँ पे रिपोर्ट में। यहाँ पे देखिए B2C स्मॉल रिपोर्ट में आपको 2.5 लाख वाली जो हमने एंट्री की थी 2.5 लाख के ऊपर, वो इसमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो है B2C स्मॉल इनवॉइस है उसकी रिपोर्ट बनी है। तो अगर आपने 2.5 लाख के ऊपर वाली जो भी सेल हुई है उसकी रिपोर्ट आपने देखनी है तो आपने B2C लार्ज इनवॉइस चेक करना है। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम ओपन करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये अलग से रिपोर्ट बन गई है, जो हमने 2.5 लाख के ऊपर की सेल की है वो आपको B2C लार्ज इनवॉइस में मिलेगी। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी। इसी तरह से आप GST समरी चेक कर सकते हो, जहाँ GST रजिस्टर बन जाएगा बिल वाइज और यहाँ डेट वाइज आ जाएगा, ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम GST रजिस्टर चेक कर लेते हैं बिल वाइज, यहाँ पे हम ओके करेंगे। आज की डेट की आ रही है ये रिपोर्ट, देखिए। अभी हमने B2C सेल की एंट्रीज की थी, तो यहाँ पे जो भी 3 एंट्रीज की थी हमने वो सभी दिखा रहा है सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ B2C लार्ज चेक करनी है इनमें से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन दी गई हैं, B2C लार्ज, B2C स्मॉल लोकल, B2C स्मॉल इंटरस्टेट। तो किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को आपने चेक करना है, मान लीजिए आपने B2C लार्ज को चेक करना है कि कितनी हुई है टोटल, क्या क्या है डिटेल, तो आपने क्या करना है, ये B2C स्मॉल इंटरस्टेट को हटा दोगे, B2C स्मॉल लोकल को हटा दोगे, ये B2C लार्ज को ओनली टिक लगा के ओके कर दोगे। देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री दिखा रहा है जो 2.5 लाख के ऊपर की थी हमने, वो B2C लार्ज में आ जाती है। इसी तरह से आप इनमें से कोई भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अगर आपने B2C इंटरस्टेट ओनली देखना है तो इस पे टिक लगा के बाकी टिक हटा दोगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर सभी को देखना है तो सभी पे टिक लगा के ओके कर दोगे तो आपको सारी रिपोर्ट दिखा देगा सभी तरह की, चाहे वो B2C लार्ज हो या B2C स्मॉल हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हम क्लोज कर देंगे तो इस तरह से आपके पास GSTR1 में सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो B2C की जो भी एंट्रीज की होंगी आपने। इसे हम क्लोज करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि B2C सेल की एंट्री आपने कैसे करनी है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे बनेंगी, कैसे चेक करनी है। तो इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो हमें। थैंक यू।